रोटी खुल गई है तो मैं किस स्टाइल में। मैं कहूंगा कि सारे जो है ना झूठ बोल रहे हैं कि अच्छा बने। तो वेलकम है आपका लाइफ इदामदा में। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ और आपको लग भी रहा होगा कि आज की वीडियो में क्या हो रहा है। आज की वीडियो में हो रही है कुकिंग कुकिंग कुकिंग, क्योंकि आज देख कल सुबह है दावत ईद दावत और ऐसा है कि बहुत से मेहमान आने वाले हैं जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मजे मजे की वीडियोज आती है, ब्लॉग्स आते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करें, मिलियन मिलियन कर देना आपने जल्दी से। मैं यहाँ पे बना रही हूँ दम बिरयानी, जिसके लिए मैंने ना सारा कुछ कर लिया है और भी मैं बहुत कुछ बना चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और आज बहुत कुछ बनेगा हमेशा की तरह, क्योंकि सब लोगों की दावतें मैं खा के थक गई हूँ। जैसे कि मैं मायके में भी दावत खाई, ससुराल में भी खाई, अब मेरा फर्ज बनता है मैं सबकी दावत करूँ, सबको अपने हाथ का खिलाऊं। तो बहुत से मेहमान आएंगे और फिर से एंजॉय किया जाएगा। तो चलिए मैं इसको लगा रही हूँ प्याज फ्राई करके, यहाँ पे सारा मैरिनेट करके रख रही हूँ, क्योंकि पहले मैरिनेट करके रख देंगे ना तो फिर आसानी हो जाएगी, सुबह जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। चलिए इसको मसाला लगाते हैं। चलिए भाई, सारा मसाला हमने लगा लिया है, अब इसको हम प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देंगे फ्रिज में और सुबह हमारी झटपट सी बिरयानी बन जाएगी। और भी बहुत सी डिशेज बन रही है तो आपने मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, ये ना कोई चीज मिस हो जाए आपसे। चले इसको हम प्लास्टिक प्याज से कवर करते हैं और रखते हैं फ्रिज में, इजी हो जाएगा ना, सुबह फिर मुश्किल ही पेश आएगी, इसलिए मैं ना रात ही करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे उठ जाते हैं ना, इस टाइम बच्चे सो रहे हैं, अब्दुल्ला उठ गया, अगर अब्दुल्ला को बस मैंने पकड़ना है, उसके बाद बाकी की जो डिश है ना वो मैं अब तैयार करती हूँ आपके सामने। चले भाई, इसको हम रखते हैं फ्रिज में। ये देखें जी, फ्रिज में मैंने एक और चीज़ बना कर रखी हुई है जो मोस्ट फेवरेट सबकी है, मेरा स्टीम चिकन, तो मैंने बना के पहले से रख दिया हुआ है। और ये बिरयानी भी चली गई है, मीठे में भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है, वो आपने मिस नहीं करनी, देखनी है, मैं अभी अब्दुल्ला को देख के आती हूँ, ठीक है। अब्दुल्ला जो है वो सो चुके हैं और अब मैं दूसरी डिश जो है वो क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, बच्चों की फेवरेट है, सबकी फेवरेट है, बड़ों की भी फेवरेट है, वो है शवारमा। तो यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करके पहले से रख लेना है, क्योंकि सुबह सुबह हमें ना मैरिनेट करने का टाइम ही मिलेगा, इसलिए मैरिनेट करके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी सिरका, सिरके से ना जल्दी से हो जाएगा अच्छे से, लेमन भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सिरका डालूंगी, लहसुन पाउडर जाएगा, थोड़ा सा अदरक पाउडर, पेपरिका पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्च। चलिए इसको करते हैं मिक्स। अच्छा से मिक्स करके इसको हम रख देंगे फ्रिज में। चलिए भाई, अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको हम डाल देंगे चॉपर में और इसको कर देंगे फ्रिज में। तो यहाँ देखेंगे मैंने सारा एक बैग में डाल दिया, इस तरह से हम बांध के इसको रख देंगे फ्रिज में सुबह के तक के लिए, ठीक है। अच्छे से चिकन जो होगा ना हमारा कल घुल जाएगा और जूसी भी बन जाएगा, रखते हैं फ्रिज में। यहाँ पे तीन डिशेज जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं, एक बिरयानी वाली दम बिरयानी की, एक स्टीम चिकन और एक शवारमा का जो मैरिनेट है ना वो भी हो चुका है चिकन, और इसको हम रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इधर ही रख दिया मैंने, ये तीन चीजें हो गई हैं। चले भाई, अब जो फोर्थ वाली डिश है ना वो है बहुत ही मजे की, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, चिकन सीख हांडी कबाब। तो उसके लिए हमने सीख कबाब मसाला बनाना है, तो वो मैं बनाती हूँ। उसके लिए मैं लेती हूँ ये जार जिसमें मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। सही कबाब के लिए जाएगा धनिया साबुत, ठीक है, जायफल का एक टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा, थोड़ी सी जाएगी इसमें सौंफ,
और इसमें जाएगा एक तेज पत्ता तोड़ के, और इसमें जाएंगी काली मिर्च, तो कुटी मेरे पास है पहले से, इसलिए काली मिर्च हम इधर से ही डाल लेंगे, काली मिर्च, और इसमें जाएगा जीरा, जीरा पाउडर भी है, ठीक है, जीरा पाउडर, और इसमें जाएंगी दो काली इलायची, और इसमें जाएंगे थोड़े से लौंग, और इसका मेरे पास पाउडर है सब्ज इलायची का, इसलिए मैं ये नहीं डाल रही, ठीक है, इसका पाउडर पहले से है मेरे पास। चलो चलिए इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए भी हो चुका, क्या खुशबू आ रही है, कमाल की खुशबू आ रही है जी, कमाल की। चलिए भी अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और यहाँ पे आधे से भी कम प्याज और ये लहसुन, इनको हमने पहले पीस लेना है चॉपर में, चॉप कर लेना, ठीक है। कीमा सारा हो चुका है, अब ये जो मसाला मैंने रेडी किया ना ये हम इसमें ऐड करते हैं, मसाला जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड करते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, इसमें ऐड करेंगे घी एक चम्मच, बस बहुत है, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चलो भी कीमे में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन कबाब इसके मैं सुबह बनाऊंगी, इसको रख दूंगी ताकि और भी ज्यादा हमारा कीमा ना अच्छा हो जाए, इसके मसाले जो है ना सारे मिक्स हो जाए अच्छे से, तो उसको हम रखते हैं फ्रिज में। चले भाई यहाँ पे सी कबाब का जो कीमा था वो भी बन चुका है, फ्रिज में रख दिया है, कबाब सुबह बनेंगे और जो हांडी मसाला ना वो भी सुबह बनेगा, क्योंकि ईजी होता है आराम से बन जाएगा। इसके अलावा एक और स्पेशल चीज बन रही है, वो बन रही है धलीम, तो इसमें हम बनाएंगे ये देखें जी, गेहूं और मिक्स दालें जो है ना वो मैंने भिगो के रख ली हुई, तकरीबन हो चुके हैं कि यार कितना टाइम हो चुका है, नहीं 5-6 घंटे हो गए हैं ना, 5-6 घंटे हो गए मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है, और अब इसको हम करते हैं बॉयल, ठीक है, दालों को बॉयल करके हम रखेंगे। अभी हम डालते हैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेशर में ना दालें ना ऐसे गलती हैं, तो इसलिए हम प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसमें डालते हैं ये गेहूं, ये सारी दालें, इसमें जाएगी हल्दी, नमक, और जाएगा ऑयल, पानी मिक्स कर लेंगे, इसको देते हैं 10 से 15 मिनट। अब बन रहा है मीठा, तो मीठे में आज हम कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ट्रैफल बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, हमारे घर में ट्रैफल बहुत बनता है, खीर बहुत बनती है, पिंडी बहुत बनती है, तो आज हम बना रहे हैं कुछ डिफरेंट, जिसमें हम बना रहे हैं लवे शीरी, और लवे शीरी कैसे बनती है चलिए आपको दिखाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 2 लीटर दूध, और फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें हम जाएंगी कलरफुल सोइयां, ठीक है, जो हमारे लबे शीरी को ना मतलब रंगीन कर देंगी, ठीक है। चले भी दूध में आ चुका है बॉयल, और अब इसमें हम डाल देते हैं ये चीनी, और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया हुआ है सोइयां को बॉयल करने के लिए, तो चीनी हमने दूध में ऐड कर दी है, अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये क्या कहते हैं सोइयां बॉयल करने के लिए, सोइयों को हमने बॉयल करना है, और फ्लेम में थोड़ी हल्की रखूंगी, आराम से बॉयल होती रहेंगी। चले भी यहाँ पे मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड, क्योंकि वनीला कस्टर्ड से ना टेस्ट अच्छा आता है, अब आपकी मर्जी, आप खाली कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच 2 3 4 फिर 4 चम्मच। यहाँ पे बॉयल आता है ना, फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं, तो कस्टर्ड को दूध में अच्छे से मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे ना जो दूध है ना उसमें बॉयल भी आ गया, चीनी भी हमने ऐड कर दी थी, अब हम इसमें डालते हैं हल्का हल्का करके कस्टर्ड और मिक्स करते जाते हैं। जी कस्टर्ड जो है हमारा रेडी है, और इसको हम करते हैं ऑफ फ्लेम को, और दूसरी तरफ हम अपनी सवैया देख लेते हैं वो कहाँ तक पहुंची है, ये देखें जी वो भी माशाल्लाह बॉयल हो रही है,
बस कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, बाकी की जो चीजें हैं ना वो हम सुबह करेंगे। बस कस्टर्ड रेडी हुआ है, सोया रेडी है, ठंडी होती है ना हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलो अभी सोया को हमने पानी से निकाल लिया और ये बॉयल हो चुकी है, अब इसमें जाएंगे मिक्स करेंगे। चलो भी मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, और ऐसा है कि थोड़ा सा ठंडा होता है फिर इसको कवर करते हैं और रखते हैं फ्रिज में, क्योंकि ये मेन चीज है जिसको ठंडा होना चाहिए, बाकी की जो चीजें इसमें ऐड होंगी ना वो सुबह जाएंगी। तो चले जी, यहाँ पे हमारी दालें भी हो चुकी हैं, और ऐसा है कि जो इसमें बाकी की जो चीजें है ना, जो दलीम बनेगी और बाकी की जो चीजें हैं कबाब वगैरह जो भी बनेगा वो सुबह आपके सामने बनेगा। तो चले मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम। तो सेकंड डे का जो है ना आगाज हो चुका है, मतलब सुबह हो चुकी है, और यहाँ पे ना मैंने जो दालें थी ना उनको मैंने अच्छी तरह से ना, मतलब कहते ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। इतनी जान नहीं थी कि गोटा लगाती तो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। वैसे मैंने पकाया बहुत ज्यादा रात को, और यहाँ पे मनाही भी आ चुकी है मेरी हेल्प करने के लिए, और सारे बर्तन वॉश हो रहे हैं, और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ता बन रही है चाय, और साथ में हम खाएंगे। मनाही क्या नाश्ता करना है आज? शामी भी है, अंडा भी है, और क्या प्याज वाला अंडा। शामी क्या खाना? शामी चलो ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट सबका हो गया है, अब हम धलीम का ना कोरमा रेडी करते हैं। उसके लिए हमने मसाला ग्राइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने जायफल ले, जावत्री ले ली है, और साथ में हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें, ये तकरीबन है 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएंगे लौंग, और इसमें जाएंगे ये स्टार लंबादियान के फूल। सब्जी इलायची और काली इलायची, ठीक है ये चली गई। जीरा भी हम इसी में डाल देते हैं, जीरा, ठीक है। और इसमें जाएगा जायफल, अब इसको करते हैं हम बंद। चल जी, ये साबुत धनिया भी हम इसी में ऐड कर देते हैं, और आराम से ना सारा हो जाएगा मसाला रेडी। अभी अब इसको हम पीस लेते हैं, हम पाउडर कर लेते हैं। चले भी ये हो चुका है। तो यहाँ पे ना हरी मिर्ची जो है ना, इनको हमने ना अच्छे से ना चॉपर में डाल के ना पीस लेना है, ठीक है। लहसुन भी साथ ही ऐड कर दूंगी मैं। चले भी ये भी हो गया, अब हम जल्दी से कोरमा रेडी करते हैं। चले जी, प्रेशर में हम कोरमा जो है ना रेडी करेंगे। ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप, इसमें जाएगा मीडियम साइज का एक प्याज, और देखें जी अदरक के जो क्यूब्स है ना मैंने बना के रखे हुए हैं ये हम डालेंगे इसमें। यहाँ पे हम प्याज को ना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने कीमा भी निकाल लिया, मैंने कहा कबाब भी हम साथ साथ बनाते जाएं। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे कबाब मैं रेडी करने लगी हूँ, ठीक है। छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। इस तरह रखते जाएंगे बना के, ठीक है, छोटे छोटे बनाएंगे और रखते जाएंगे। मसाले बना लूंगी फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ कबाब भी बनते जा रहे हैं, और साथ में एक तरफ ना प्याज भी फ्राई होते जा रहे हैं, और एक तरफ मैंने हलीम भी रखी हुई है कि अच्छे से ना हो जाए, कोई कमी के पेशी ना रह जाए। और यहाँ पे कबाब भी हमारे बनते हैं, कबाब बनते हैं इनको हम फ्राई करते हैं, ठीक है, शैलो फ्राई करना है हमने इनको। चलो अभी यहाँ पे हमारे जो प्याज है ना फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चॉपर में डाल के जो पीसा था ना मैंने वो है लहसुन और हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप किचन विदामना में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने दलीम की रेसिपीज काफ़ी दी हुई हैं। तो इसमें पानी डाल के ना सीटी लगा देंगे, क्योंकि गोश्त हमें बिल्कुल गला हुआ चाहिए। तो यहाँ देखें जी, यहाँ मैंने कबाबों को रख दिया एक बर्तन में, कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, सिर्फ मैंने कबाब रखे हैं, फ्लेम ऑन किया और मैं कवर कर दूंगी। इससे ना ये स्टीम हो जाएंगे अच्छे से, फिर हम मसाले में ऐड कर देंगे, और बाकी के जो बच गए हैं वो मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे हमारी धलीम का कोरमा रेडी हो रहा है, ठीक है, साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने रख दिया है कबाब का मसाला बनाने के लिए, और ये हमारे सारे कबाब जो है ना स्टीम हो चुके हैं। ये देखें जबरदस्त है, आप इसको ऐसे ही ना जिपलॉक बैग में ठंडा करके ना जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 2 महीने के लिए। और यहाँ पे दालें रखी हुई हैं, और यहाँ पे हमारा जो कोरमा है ना वो हो चुका है रेडी, और मैं इसको घोटा लगा रही हूँ कि हमारा चिकन जो है ना रेशा रेशा हो जाए। तो ये रेशा रेशा होता है, फिर मैं आपको मिलती हूँ। यहाँ देखें जी, ये चिकन हमने ऐड कर दिया इसमें, अब मैं इसमें घोटा लगा रही हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये देखें जी दलीम है, और इसको मैं घोटा लगा रही हूँ,
और दूसरी तरफ ना कबाबों का मसाला हो गया, मैंने प्याज टमाटर डाल के ना उसको रख दिया, अब लहसुन प्याज टमाटर अदरक डाल के ताकि अच्छे से गल जाए मसाला। तो ये देखें जी, यहाँ पे प्याज टमाटर और अदरक लहसुन जो है ना अच्छे से गल गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी दही, दही डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हांडी कबाब का जो मसाला है ना वो रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें सारे कबाब ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया ना इस तरह आप कबाब फ्रीज भी करके रख सकते हैं, सिर्फ मैंने उसको हल्के से बर्तन में ना सेक दे के ना उसको सेट कर लिया, ठीक है, और उसको जिप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज कर सकते हैं एक दो महीने के लिए। जब आपका दिल करे कबाब बनाने हैं कबाब बनाएं, या आपने कोई भी रोल वगैरह बनाने, इसमें हम ऐड करते हैं इस तरह साबुत हरी मिर्ची। अब इसको हम करते हैं कवर और रख देते हैं दम पे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं ना शवारमास जो है ना उनका सैलड बना के रख रही हूँ, क्योंकि बस चिकन कुक होगा और टाइम पे ना हम इसमें ना सारी मतलब फिलिंग वगैरह करके उसको रोल कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारी हांडी कबाब है ना वो हो गई है हांडी सीख कबाब। इसमें मैं डाल दूंगी ये लच्छे वाले प्याज, ठीक है, और रखेंगे कोयले, इसे इसको लगा देंगे धुआं। और आपको आवाज से अंदाजा हो ही गया होगा आयत मैडम जो है वो उठ चुकी है और वो शोर मचा रही है। यहाँ देखें जी, जो शवारमा का चिकन है ना वो मैं कुक कर रही हूँ, बस ये कुक होता है ना, और वहाँ पे जो वेजिटेबल्स है वो मैंने काट ली। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जेलीस, क्योंकि लबे शीरी में जेलीस भी जाती है, तो जेलीस हम बना रहे हैं। चले भी, मैंने ना जो दम बिरयानी है ना एक बर्तन में सेट कर दी है, अब दूसरे जो बर्तन में बनानी है उसके चावल बॉयल हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं ना अपना शवारमा रेडी करती हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी, शवारमे के लिए हमने ये वाली ब्रेड ली है क्योंकि उमेर को टोटियास ब्रेड पसंद है, तो इसलिए वो मैं कहती मैंने ये वाली लेनी है, दूसरी वाली नहीं पसंद। तो चले अब हम इसको ना करते हैं, यहाँ पे बटर पेपर लेते हैं, तो पहले हम ये सॉस लगाते हैं। चले भाई, चिकन हमने लगा दिया, अब हम इसमें डालेंगे इस सलाद के पत्ते काट के थोड़े से, साथ में खीरे, साथ में प्याज, साथ में टमाटर, ठीक है, और फिर से ऊपर सॉस। तो यहाँ देखें जी, सब शवारमास रेडी हैं, बस इनको मैंने कटिंग करनी है, दो हिस्सों में काटना है। उससे पहले मैं रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि पिछली दफा ऐसी हुआ था मैं रेडी नहीं हो सकी थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था, लेकिन आज मैं रेडी होंगी जबरदस्त। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ना हर चीज मैंने दम पे रखी हुई है, ये है एकदम बिरयानी, ये है एकदम बिरयानी, ये है हमारे हांडी कबाब, और ये है हमारा स्टीम चिकन, और ये है हमारी दलीम। तो दलीम को ना मैं ना अभी थोड़ी सी हल्की आंच पे रखती हूँ क्योंकि गर्म रहे, और ये है हमारे शवारमास। और अब मैंने करना है लबे शीरी रेडी, तो लबे शीरी रेडी मैं रेडी होके करूंगी। तो चले रेडी होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो चले भी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं ईद मिलन पार्टी में ना क्या पहन रही हूँ। तो ये मेरा ड्रेस है जो आज मैंने पहनना है, जो मुझे आया था मायके से, और इसके साथ ये खुस्सा है जो आया है जीजोजा से, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ऐसा कि मैच करता हुआ खुस्सा मेरे ड्रेस के साथ, तो आज मैं ये पहनूंगी। तो चले पहनते हैं और फिर आपको मिलते हैं। हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी एक चीज रह गई जो मैंने बनानी है, मतलब एक डिश रह गई, और यहाँ पे उमेर भी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुकिंग करा दी है, तो सोचो इंतजाम कितने कितना यार, अल्लाह ने जगह दी हुई है, इतनी जगह है हमारे पास, कोई इतनी टेंशन ही नहीं है। मुझे दिखाएं तो, आज मेरे प्लाजे पे ही होगा सब, मुझे दिखाएं तो। मुझे तो पता है फिर यार, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिंग जो हुई है ना सारी, वो अभी देखें और अभी जो ना हमने को जाके दिखा। और यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक बंदे को बुलाया नहीं और वो बंदा वहाँ जाके बैठ गया, नाराज हो गया कि मुझे नहीं बुलाया कि मैं भी हूँ एक आयत। आप देखो उसका सीन क्या सीन है उसका, कि इसने मुझे नहीं बुलाया कि मैं भी रेडी हूँ। वो देखो वो कह, मुझे भी देखो मैं रेडी हूँ। अभी लग रहा है तो यार वो इससे भी हम थोड़ा बिजी थे, उनके ना इसके स्टिचेस करना थोड़ा मसला हो गया। चले फिर देखें, में बिजी थे तो अब जो है ना अन्ना को जाके ना बेसमेंट दिखा दो, तो मैंने बाबू को भी तो दिखा दो यार, मेरा काका। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं अब्दुल्ला को माशाल्लाह से मेरा काका पारा लग रहा है, मेरा काका पारा लग रहा है काका। ये देखे हमारा अब्दुल्ला भी रह दिया, चले भी रह दिया, पापा भी रह दिया, छारे रह दिए। चलो अब नीचे आमना को दिखा चले, चलो सही है। आज यहाँ पे होगी ईद मिलन पार्टी, तो कैसा लग रहा है? जबरदस्त, खुला डुला माहौल है, भावे 12 बजे तक बैठो, 2 बजे तक बैठो, अपना राज है, अपना राज है, कोई इतनी टेंशन नहीं है।
डिस्पेंसर भी पड़ा हुआ है क्योंकि वो जिम था ना यहाँ पे, वो खाली हुआ ना, तो अब हाल खाली है पहले। वैसे इजी होके इंसान हर कोई बंदा ना यहाँ से खाता जाएगा, आराम से खाता जाएगा, क्योंकि वो ऊपर कंजेस्टेड सी थी ना जगह, तो मजा नहीं आता था। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए जो कस्टर्ड सेवइयां थी ये मैंने रात को रेडी कर ली थी और आधी जो लबेशिरी थी वो रह गई थी, तो क्रीम में मैंने चीनी मिक्स कर दी है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रूट्स, पाइनएप्पल ऐड करेंगे चंक्स पाइनएप्पल के, और साथ में इसमें डालेंगे हम अंगूर। ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं ना इसमें जाते हैं, अहम होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये जाएंगे अंगूर और इसमें जाएंगे बनाना और एप्पल अच्छे से मिक्स। यहाँ पे हम कस्टर्ड को फ्रूट्स में मिक्स करते हैं। अब इसको हम डिश में सर्व करते हैं। ये देखें जी, अब लेयर लगाएंगे हम जेली की। ठीक है, तो यहाँ पे आमना कर रही है उसको हाफ, क्योंकि ये हमने बच्चों के लिए मेन्यू रखा होता है शॉर्ट में, सभी खाते हैं बच्चे, सभी खाते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे ही इसको एंजॉय करते हैं। हलीम जो है वो गर्म होने वाली रह गई है, बाकी ये सारी गर्म है, बिरयानी भी गर्म है फुल, मेहमान आने वाले हैं आमना, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी आया देखो। अब हम इसमें ऐड करते हैं हलीम, थोड़ा सा ना डेकोरेट कर देते हैं। चलो जी, कबाब रह गए हैं, बस कबाबों को हम डालते हैं। आ गए हैं सारे, तो ये है मेरी फुल लुक, और जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। ठीक है, चले अब चलते हैं, मेहमान आ गए हैं नीचे। और चले जी, चले भाई, हम लेट हो गए हैं और मेहमान सारे अंदर आ चुके हैं, तो चले अंदर चलते हैं, सबसे मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक भी कहते हैं, तो सब आ चुके हैं, ये देखें जी, सबसे मिलते हैं, सबसे पहले बड़ों को मिलते हैं। बैठ गए यहाँ पे है सीना भाभी, सबसे खूबसूरत ये सब दाल भाई बच्चे बैठे हुए, और ये हमारे मिलता सबको लिया हुआ पहले मैंने, लेकिन दोबारा वीडियो में मिल रहा हूँ, वीडियो में मिलना पड़ता। और दीदी तो मेरी बेसमेंट में पहले नहीं थी, अब क्यों आ गई है। मिलते हैं आयशा से, आयशा ईद मुबारक। आयशा सबसे लेट आई, आयशा सबसे लेट आई है, सबसे लेट, और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मुनाहिल को भी, और ये देखेंगे मुनाहिल कैसी लग रही, कैसे लग रही है ईद मुबारक मुनाहिल। ड्रेस अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। चलिए भाई, अब यहाँ पे ऐसा कि सबको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, हम बहुत ज्यादा, पहले मेन्यू दिखा दो ना, मेन्यू में क्या क्या यार, क्या क्या है आज, अभी देखा तो होगा आपने मैंने बनाया। ये है दम बिरयानी, ये है चिकन रोस्ट, और ये है दम बिरयानी, ये है हलीम दलीम, और ये है हांडी कबाब, और साथ में ये शवरमा, और साथ में है लबेशी। खाना खुल गया है, आ जाए, रोटी खुल गई है अमेरिकन स्टाइल में, आ जाए जी, सारे आ जाए, आ जाओ कहा, आ जाओ यान, आ जाओ ना, आ जाओ सारे, तुम्हें डालो।
खाऊंगी आज, क्योंकि आजकल मैं खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। चले ईद में मीठी मीठी होती है, ईद होती है मीठी तो मीठा क्या चीज बनाई है, कैसे बनाई है। चले ठीक है, चले ठीक है, मैं टेस्ट करूंगा ये। आपने पहले भी टेस्ट किया होगा। चले ठीक है। चुके हैं, सबसे पहले हम अम्मियों से पूछते हैं कि अम्मियों आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम पूछते हैं इनसे, ये मुझे ना मुझे कहती थी आम तू की पकाना है, मैं चुप हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी कि क्या पकाना है, मुझे कुछ नहीं समझ थी। बहुत अच्छा बने हैं ऐसे, बहुत मजे का रोस्ट, बहुत मजे का रोटी और लब्बे खीरी, सब कुछ मजे का था। ये भी बहुत अच्छी है। थैंक यू, हलीम। तो अब मनाहिल से पूछते हैं, मनाहिल ने भी खाया, मनाहिल कैसा? मनाहिल भी बहुत रात का देख रही, आप भी क्या कर रही है? सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ खाया है, कोई चीज मिस तो नहीं की? नहीं कुछ भी नहीं किया, सब कुछ लास्ट टाइम हाँ मिस हो गया था इससे। अब अली भाई से पूछ लेते हैं, अली भाई अभी तो खा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था, खा रहे हैं से पूछ, मुझे पता नहीं था कि ये अलग से पूछ। दम बिरयानी बहुत ज्यादा मजे की बनी हुई है, वो तो वैसे ही बनती है। जो है भाई से पूछ लेते हैं, अब जो है भाई से पूछते हैं, नब्बे श्री बहुत जबरदस्त था और रोस्ट भी था, बहुत जबरदस्त था रोस्ट जो था, किडनीज और साथ में ना कस्टर्ड खा खा के थक गए मैं सब। तो इस दफा ना डिफरेंट होना चाहिए, समय इसमें चमचम डाल के ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। सादे भाभी भी खा रही है, मैंने तो खाली सब कुछ बहुत मजेदार था। चले भी अब हम पूछते हैं बिलाल और समीना भाभी से, तो बताएं आपको कैसा लगा? अनफा से भी, अनफा को नान पसंद आया, ये देखो अनफा नान खाती है, और आपको कैसा लगा? रैप और समीना भाभी ने तो लबे श्री खाया, मैंने और अब मोमना भाभी से पूछते हैं, सब कुछ बहुत मजे का था और बहुत मजा है। अभी तक मैं लंबे चले, एक चीज मम्मी भाभी की फेवरेट है, वो उन्होंने पैक करवा के लेके जानी है, मुझे पता है। उन्होंने मुझे पहले कह दिया था, उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि आमना मैंने ना वो पैक करवाना, मैं बाद में, क्योंकि वो आमना के हाथ की बेस्ट होती है। चले जी अब पूछते हैं लाजवाब, लाज चीज पसंद, फिर भी मैंने खाया, आगे देखो क्या। आपने क्या खाया? क्या चीज टेस्ट किया? सबसे अच्छा क्या था? चले कोई नहीं, बाद में ना आशा मुझे फोन करके बताएगी तुमने क्या कहा। चले जी अब हम पूछते हैं हमारे शेफ वकास भाई से, हमारे घर के सबसे बड़े शेफ जो माहिर हैं, तो आप बताएं आपको सबसे अच्छी चीज, मतलब सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ में सब पहले तो मैं कहूँगा कि सारे जो है ना झूठ बोल रहे हैं कि अच्छा बनाए, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, दम बिरयानी आउट क्लास, यानी ये मैं कहता हूँ कि आप कराची की बिरयानी जो है ना आप खाएं ना, वो दम बिरयानी सेम वही चीज है, आउट क्लास बाजारी लग रही है बिल्कुल, दम बिरयानी जो है। तो मैं सोच रही हूँ, और यार मुझे यही कह रहा था कि लबे श्री बहुत ही जबरदस्त है और दो तीन दफा लेके आया और इसने खाया, तो मैं विकास भाई ने कह दिया कराची बिरयानी से भी बढ़ के तो हम कहीं बिजनेस शुरू कर दे। मैं सोच रहा हूँ दम बिरयानी शुरू कर दे, ऐसा करें लोहोरी दम बिरयानी, घोड़े भी बड़े आउट क्लास थे, और वो जो है हलीम वो मैंने नहीं खाई, मैं लेके जाऊंगा, वो पता लग रहा है कि वो अच्छी बनी हुई है, जाके फिर टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे इसमें क्या कम है। मैंने वो देख के पता चल जाता है कि ये जबरदस्त बनी हुई है, और बाकी मैंने वो पीस खाए हैं आउट क्लास, यानी कि आज स्पाइसी बिल्कुल जबरदस्त, लेकिन मुझे वो मजेदार लगे हैं, ठीक है जबरदस्त। और रमजान के बाद ना जायका थोड़ा ना खराब हो जाता है। और अब हम पूछते हैं हमारे घर की प्यारी आयशा बीबी से, मैंने ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट किया और बहुत मजे किया, अच्छा, क्योंकि इसमें दो चीजें तो मैं खुद बनाना चाह रही थी, जो लास्ट टाइम हमने सीखवा बनाया, ये मुझे कह रहे थे मसाला बनाओ और उसमें कबाब डालो, अच्छा, और मैं कह रही थी नहीं यार ये अलग होना चाहिए, आपस में मिलती हैं बातें, वो कह रही है कि सीख कबाब थे ना हमने सादे बनाए थे, हमने मसाला लेकिन मैं छोटे पीस करना चाह रहा था, मैंने छोटे जो कट कट करके ये हमारे घर ना के एन एस के आते हैं ना कबाब, अच्छा, तो अब वो उस तरह काट के बनाते हैं, अब वो मसाला बना के ना वो खाते थे, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत जोर से मैंने ही खाई, और लबे श्री तो मैं पता नहीं कितने जमानों से बनाना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं बनाएंगे बनाएंगे ट्राई करेंगे, लेकिन ये बहुत मजे का था, अब्दुल मान ने भी लबे श्री खाया,
نہیں لیکن بہت مزے کی تھی، ہر چیز بہت مزے کی تھی. مریم سے پوچھ لیتے ہیں، مریم ماں بتائے. ضروری نہیں کہ میں نے گپے شری کھائی ہے، ہم نے روسٹ بہت بیسٹ لگا، بہت ٹیسٹی کھانا، بہت مزے کا. زیادہ اسپائسی ہو گیا، گپے شری ہی کھائی ہے میں نے. یہ نہیں کہ میں نے وہی کھائی ہے کہ آپ نے بتا رہی کہ میں نے بتایا نا کہ میں میٹھا بہت کھا رہی ہوں میں تو، لیکن میں روسٹ کھایا، بہت ہی بیسٹ ہے، بہت ڈفرنٹ ٹیسٹ. تھینک یو. چلو بھائی، اب ہم پوچھتے ہیں ہمارے گھر کا جو سب سے بڑا بچہ ہے جو کھانے میں مطلب ٹیسٹ کرنے میں ماہر ہے، وکاس بھائی کے بعد، تو اس سے پوچھتے ہیں. ایان آپ بتائیں. سب کچھ اچھا تھا لیکن جو لبے شیر تھا سب سے اچھا وہ مجھے. چلے اب ماں آپ کے لیے بنا رہے ہیں. بچوں کو نا میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، اب کسٹرڈ کھا کھا کے تھک گئے ہیں ساری. لبے شیر چلے، اسی لیے میں نے آپ سب کے لیے یہ چیز بتائی، میں نے کسٹرڈ پنڈیاں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، کوئی ڈفرنٹ ہو جائے. اب ہم پوچھتے ہیں عمیر سے، کیونکہ عمیر رات کو سو گئے تھے اور میں جاگ رہی تھی. تو میں نے پکایا ہوگا، ایسے میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ بھائی صاحب کھانا، میں نے تو میں نے مجھے پتا تھا پرفیکٹ تو ہوگا ہی وہ. بتائیں نا آپ کو کیا چیز سب سے اچھی. مجھے حلیم کا تھا کہ حلیم کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں، اس کو پتا ہے کہ میں نے بہت حلیم لگاتا تھا آسٹریلیا میں، انڈسٹریٹ کے اوپر نہیں مزاق. تو میں نے دیکھ کے بتا دیا تھا کہ حلیم پرفیکٹ ہے، مسالے پرفیکٹ ہیں، نمک پرفیکٹ ہے اس کا، بہت زبردست. اور یہ حلیم جو ہے نا اسے اسکریچ سے بنائی ہے، مثلا خود ڈالے کر کے پھر. تو یہاں بھی نا عبد الرحمان میرے پاس خود آ کے کہتا ہے آپ نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں یہ کھانا کیسا لگا، تو بتائیں یار میں بھول گئی تھی شاید. مجھے سب سے اچھا وہ لگا. کیا کیا کہتے ہو رول؟ رول اچھا لگا، اچھا لگا. اور بچے میٹھا ہی کھاتے ہیں، ریپ بھی کھاتے ہیں، اس لیے بچوں کے لیے ہم نے بنایا. ریپ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تھینک یو. آپ کے لیے تو یہاں پہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر جا رہے ہیں چائے پینے کے لیے، تو چلے یہاں پہ امی اور بلال بھائی اور ساتھ ساتھ سمینا بھابھی جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے سمینا بھابھی، بہت پیاری لگ رہی ہیں آج آپ. اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تو اس بار میں کچھ چیزیں نہیں لے کے آئی، میں نے کہا خود ہی لے لیں گی آپ. ٹھیک ہے آپ لے لیں گی اپنی چیزیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو دیا. تو اور یہ عبداللہ کی جی. ٹھیک ہے چلو بھائی، تھینک یو. کہہ دو پپھو کو تھینک یو. کپڑے عبداللہ کو میں نے پہلے دے دیے تھے، ابھی تو وہ پہن رہا ہے، پہن رہا ہے ایک سوٹ پہنا اس نے، باقی کے پہننے کا آیا تھا اپنے لیے چوڑیاں، اور ابھی وہ آئی تھی فراک بھی لے کے آئی نہیں ہے، وہ اس نے پہن رہا ہے تھوڑا سا. آج ہم نے یہاں چائے بھی ہم نے بنائی ہے، پتا نہیں کیسی بنی ہے چائے. ہمیشہ آشا بھابھی چائے بناتے آملہ نے بنائی ہے چائے. یہاں کون سی جناب لپٹن ہی تو ہے. چلیے آمنا، تو میں بتائیں آپ کو پارٹی کیسی لگی. تو پارٹی جو ہے نا الحمد للہ جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا ویسا ہی ہوا، کھلے ہال میں جو ہے نا بڑا مزہ آیا یار. میں کہتا ہوں وہاں پہ ایزیلی جو ہے نا 60-70 بندہ جو ہے نا ارینج کر سکتے ہیں الحمد للہ. ہاں جی، تو بس اب میں چینج کرتی ہوں، اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. یقینی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے انسٹا کو لازم فالو کیجیے گا، اوپر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوگا. تو اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جلدی سے، آپ نے چینل کو ملین کرنا ہے. تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی نا سبسکرائبر جو ہے نا میرے پلازا پہ آ گئی ہے، اور یہ کراچی سے آئی ہے. تو پہلے بھی نا یہ آئی تھی لیکن ہم یہاں پہ نہیں تھے، تو آج اچانک سے ملاقات ہو گئی. کب آئی تھی؟ عید پر آئی ہوئی ہے. تھینک یو. اور عید پہ آپ آئی ہیں؟ جی میں عید پہ ملنا آئی تھی. اور مجھے بھی ان سے مل کے بہت اچھا لگا، بہت ہی کیوٹ بچی ہیں، بہت پیاری ہیں.